तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैं हूँ आज अपनी एडवेंचर 390 पे और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू और क्या आपको 2024 में ये बाइक लेनी चाहिए, बिकॉज प्राइस बढ़ते जा रहा है इस बाइक का एंड यू माइट नॉट थिंक दिस इज एज वर्थ इट एज इट यूज टू बी, स्पेशली जो इसका आजकल वो हो गया है, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन हो गया है हिमालयन 450 की तरफ से। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पावर। तो फुल स्पेसिफिकेशन इस बाइक के जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो एज वी ऑल नो, इसमें आपको वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड जो एक 373 cc का जो इंजन था KTM's का, वो आपको इसमें मिलता है, पुराने वाला 399 cc वाला इसमें नहीं मिलेगा अभी, वो फ्यूचर जनरेशन में आएगा बाइक की। तो एज वी ऑल नो, वो वाला इंजन कितना ज़्यादा अच्छा था। हाँ, स्टार्टिंग में उसमें थोड़े बहुत इशूज़ आ रहे थे, बट देन वो जो इंजन था वो बहुत ज़्यादा रिलायबल बन चुका था, मतलब ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल जो अभी चल रहा है एडवेंचर 390 और आर जी 390 में। सो पावर में नो कमी, पावर डिपार्टमेंट इस बाइक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कहीं पे भी चला लो इस बाइक को, आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। या तो आप GS वगैरह के साथ क्रूज़ करने गए हो, टूरिंग करने गए हो, या फिर आप दिन में 1500 किलोमीटर चला रहे हो, या फिर आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर चला रहे हो अपने कम्यूटिंग के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए, तो आपको बाइक में कभी पावर की कमी फील नहीं होगी, जो इस इंजन की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खासियत है। हाँ, लो एंड में थोड़ा सा इंजन लैकिंग है, पावर लैक हल्का सा फील होता है इस बाइक के अंदर, लेकिन जैसे आप 4,000 या 6,000 RPM क्रॉस करते हो भाई, जो ब्लास्ट आता है ना पावर का, वो इतना ज़्यादा थ्रिलिंग होता है, वो इतना एडिक्टिव होता है कि हम इस बाइक को छोड़ना नहीं चाहते उस रीज़न की वजह से। एंड मैं सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे अच्छे रिव्यूअर्स हैं, बड़े रिव्यूअर्स हैं जिनको आप लोग देखते होंगे, वो एडवेंचर 390, ड्यूक 390, RC 390 जैसी बाइक्स ओन करते हैं एंड वो उनको बेचना नहीं चाहते कभी भी। एंड द मेजर पार्ट इज़ द इंजन ओनली। कभी भी आप कहीं पे भी रेस दे दो, आपको इनिशियल टॉर्क जो है वो इसमें थोड़ा सा ड्यूक वगैरह से पुराने वाली बेटर है, तो आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा उनसे टॉर्क मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं अभी मैं सेकंड गियर पे हूँ, 6,000 RPM एंड थ्रोटल खोलते ही बाइक ऐसे टेक ऑफ करने को निकल जाती है कि मतलब मज़ा ही आ जाए, ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव लगता है, ये रश बहुत अच्छा लगता है। सो पावर डिपार्टमेंट्स में 10 out of 10 बाइक है, कोई कमी नहीं है बाइक को रिलेटेड पावर में। सो भाई, हैट्स ऑफ टू KTM फॉर दिस इंजन। मैंने नया वाला ड्यूक अभी तक चला ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आज। अब आ जाते हैं हम दूसरा पॉइंट पर, वो है इसका कंफर्ट। तो कंफर्ट के मामले में ये बाइक इज़ नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट एज वेल। अब देखो, अगर आप इसको ड्यूक से कंपेयर करोगे ना, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट अगर आप इसको दूसरी बाइक से, एडवेंचर बाइक से कंपेयर करोगे, जैसे पुरानी वाली हिमालयन हो गई, नई वाली हिमालयन हो गई, एक्सपल्स लगा लो, ऑल्दो नॉट अ डायरेक्ट कंपेरिजन, एक्सपल्स 200 cc है, ये 400 cc है, आप SD एडवेंचर लगा लो, तो उन सब के कंपेरेटिवली इसका जो कंफर्ट लेवल है ना, वो थोड़ा सा कम है। बट एज़ कम्पेयर टू जो अलग थोड़ी बहुत बाइक्स आती है, इसमें लोग टूरिंग करना पसंद करते हैं, जैसे नई वाली TVS Apache आ रही है, तो TVS कह रहा है उसके ऊपर टूरिंग करो, उसमें उन्होंने क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया है। एंड जो ड्यूक वगैरह पे टूरिंग करते हैं, कुछ लोग R15 R3 जैसी बाइक्स पे भी टूरिंग करते हैं स्पोर्ट्स टूरर पे, तो उन सब के कंपेरेटिवली हाँ, मच बेटर कंफर्ट है इसका, क्योंकि फॉर्मेट वैसा है यार बाइक का, तुम सीधे बैठते हो, तुम्हारे बाइक जो पैर है वो हल्के से ज़्यादा सेंटर सेट की तरफ है, हैंडल बार ऊँचा है तो थोड़ा चौड़ा भी है, तो एक नेचुरल सीटिंग पोजीशन इसमें आ जाता है। तो कंफर्ट के मामले में मैं इसको 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा, नॉट द वेरी बेस्ट बट डेफिनेटली काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, लॉन्ग आर्स आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 1,100-1,100 किलोमीटर एक दिन में भी कवर करे हैं बिना किसी थकान के। सो कंफर्ट क्वाइट गुड, नो कंप्लेंस, नो इश्यूज एट ऑल। तो कंफर्ट में एक छोटा सा पॉइंट आएगा, वो है सस्पेंशन का, क्योंकि जो सस्पेंशन है ना, वो कंफर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है। एर्गोनॉमिक्स जो होते हैं वो तो करते ही करते हैं, राइडर्स ट्रायंगल जो होता है, आपके सीट की कुशनिंग वगैरह, मगर जो आपका सस्पेंशन सेटअप है वो अराउंड 40% उसमें पार्ट प्ले करता है। तो सस्पेंशन सेटअप इसका थोड़ा सा हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोलेंगे ड्यूक RC वाला, बट उनके कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, और नॉर्मल हिमालयन वगैरह कंपेरेटिवली देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। मगर एक ये ना जो सस्पेंशन है, मेरे को इसका इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आपको ना एक मतलब क्या कह सकते हो आपको एक बैलेंस पॉइंट मिलता है कंफर्ट और स्पोर्टी हैंडलिंग के बीच में। तो जैसा आपको पता होगा, अगर आपका हार्ड सस्पेंशन है तो आपकी कॉर्नरिंग वगैरह अच्छी जाएगी, बाइक हाई स्पीड पर स्टेबल चलेगी, आपका सॉफ्ट सस्पेंशन है तो आपको टूरिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, एंड सिटी राइडिंग जो होती है वो आपकी थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी। तो इसका जैसा सस्पेंशन सेटअप हो रखा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है, आप सब कुछ कर सकते हो उसके अंदर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन मैं बोलना चाहूँगा। लाइक ये बाइक है कि एक हर चीज़ को
एकदम 10 out of 10 परफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये हर चीज़ करने के लिए रेडी ज़रूर बैठी है। भले आप इसको भगाओ, आप इसके ऊपर कॉर्नरिंग करो, आप इसके ऊपर टूरिंग करो, ये हर चीज़ करने के लिए एकदम रेडी बैठी है, मगर इट्स नॉट ए 10 out of 10 इन एवरी डिपार्टमेंट, विच इज़ कोई भी बाइक 10 out of 10 नहीं होती। नो बाइक इज़ परफेक्ट, हर बाइक में एक मतलब थोड़ा बहुत कैवियट्स होते हैं जो हमें अच्छे ना लगे एज एन ओनर। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट दो पॉइंट्स पर, जो है इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी, सर्विस कॉस्ट और रिलायबिलिटी। तो मैं मानते हुए जो इंजन था पुराने वाला, तो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे जब ये लॉन्च हुआ था अराउंड 2013-2015 के बीच में, मगर ओवर द टाइम KTM ने काफ़ी अच्छा काम करा है। KTM ने इसको रिलायबल इनफ बनाया है, इनफ भी क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाया है। मेरे एडवेंचर वाले ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको इस इंजन के साथ, इस KTM एडवेंचर 390 को लाख लाख किलोमीटर चला चुके हैं। आपने भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे SJ व्लॉग्स का भी नाम सुना होगा, आपने ड्रीम चेजर का नाम भी सुना होगा। तो ये सारे लोग जो एडवेंचर 390 पे काफ़ी ज़्यादा टूरिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो इस बाइक को चला चुके हैं, एंड कोई आज तक मेरे हिसाब से उनको भी कोई रिलायबिलिटी इशूज़ नहीं आए हैं। तो रिलायबिलिटी के मामले में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बाइक है ये। सेकंड चीज़ आ जाती है इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी, सर्विस कॉस्ट। तो सर्विस सेंटर आपको KTM के हर जगह पे मिलेंगे, एंड जिस जगह पे KTM का सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको बजाज तो ज़रूर मिलेगा। एंड इसमें पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपके फ्रंट ब्रेक पैड कहीं ख़त्म हो गया पहाड़ों पर हो तो आप आराम से बजाज पल्सर RS NS का लगा सकते हो, आपका रियर ब्रेक पैड ख़त्म हो गया तो भी आप बजाज का कोई भी मतलब पल्सर का NS 200, RS 200 का, Dominar 400 का स्पेशली लगा सकते हो, आपका रियर सस्पेंशन लीक हो गया Dominar 400 की ऑयल सील, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पास KTM का सर्विस सेंटर आपके जहाँ पे ख़राब हुआ है, ब्रेकडाउन बाय चांस होए कभी, तो वहाँ पे हो ना हो बट आपको कुछ इशू नहीं होएगा, क्योंकि बजाज का सर्विस सेंटर आपको वहाँ पे हमेशा मिलेगा। सो इन माय ओपिनियन KTM की सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे को हमेशा से KTM की सर्विस अच्छी मिली है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो मायापुरी वाला जो KTM का सर्विस सेंटर है वो बेस्ट है, एंड सेकंड नंबर पे मैं डालूंगा नोएडा सेक्टर 2 वाले सर्विस सेंटर को। तो ये दो सर्विस सेंटर है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इस बाइक में भरे हुए हैं, मेरे हिसाब से लास्ट 24,500 किलोमीटर जो मैंने चलाई है मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं इसमें फेस हुआ, मेरे को कभी कोई रिलायबिलिटी इशू नहीं आया, कभी भी बाइक ने मेरे को ऐसे कहीं छोड़ नहीं दिया कि मतलब अब मैं अटक गया हूँ, बाइक में दिक्कत आ गई है, मैं बाइक नहीं चला पा रहा, तो आज तक अभी ऐसा मेरे को कुछ फेस नहीं हुआ है। सो 10 out of 10 फॉर द रिलायबिलिटी एंड द सर्विस नेटवर्क फॉर द एडवेंचर 390 एंड KTM का जो पूरा जो सर्विस नेटवर्क है इंडिया में, एंड ऑल थैंक्स गोज टू बजाज फॉर दैट, क्योंकि उनके पास पहले ही था सब कुछ, मतलब नेटवर्क उनके पास था जब KTM आया। अब एक फाइनल बात करूँगा मैं आपसे, जो है इसके कंपेटिटर्स जो इस टाइम पर आ रहे हैं, स्पेशली जो आपको पता होगी हिमालयन 450। तो देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, दोनों बाइक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हिमालयन और एडवेंचर 390 मतलब होता ना, ऑल दो कैटेगरी सेम है मगर बाइक्स उससे ज़्यादा डिफरेंट हो ही नहीं सकती। ये दोनों बाइक्स में इतना डिफरेंस है ज़मीन आसमान का, आप ये चलाओगे और फिर हिमालयन चलाओगे आप तभी उसको समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस है। सबसे बड़ा उसमें डिफरेंस जो आपको मिलता है वो है इंजन का, इंजन और उसकी जो राइडिंग डायनामिक्स है, सस्पेंशन सेटअप है, वो बहुत ज़्यादा अलग है। आप सिर्फ एक ड्रैग रेस या फिर उसकी स्पेक शीट देखकर मतलब उन बाइक्स को जज नहीं कर सकते। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ, आप प्लीज़ दोनों की दोनों बाइक्स के ऊपर जाइए, शोरूम्स पे जाइए और उनको टेस्ट राइड लेकर आइए, तभी आप अच्छे से अपने हिसाब से जज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली मैं बताऊँ, हिमालयन की जो स्पेक शीट है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, उसमें 21 इंच के फ्रंट व्हील आपको मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिल जाता है, आई थिंक दोनों साइड 220 mm है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm की मिल जाती है, तो सब कुछ देखा जाए तो इससे ज़्यादा है एडवेंचर 390 से। मगर आई एम नॉट कम्प्लीटली मतलब कन्विंस्ड कि उसको इतना मज़ा आएगा चलाने में, क्योंकि उसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, आप कॉर्नरिंग नहीं कर सकते, हाई स्पीड पर वो वॉबल मार सकती है, मैं यही नहीं कह रहा मारती है, मैंने खुद नहीं चलाई है, वो मार सकती है। तो स्पेक शीट के ऊपर प्लीज़ आप दोनों को कंपेयर मत करो, और छपरियों की ड्रैग रेस देखकर कि अगर हिमालयन एडवेंचर से आगे जा रही है या फिर हिमालयन क्या बोलते हैं टॉप एंड में जा रही है लेकिन पिकअप में एडवेंचर है, हिमालयन ने एडवेंचर 390 को पिछेड़ दिया, आप प्लीज़ ये छपरी वाली ड्रैग रेस मत देखिए, आप दोनों बाइक्स को राइड करिए, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी बाइक बेटर है और आपके लिए आपको अपने मेहनत के पैसे से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो ये था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू और हिमालयन से थोड़ा सा हिमालयन के बारे में बातचीत। अदर देन दैट 10 out of 10 फॉर द एडवेंचर 390। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एंड आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा अच्छा सा कि आपको एडवेंचर लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इसमें मीट कर रही है या नहीं कर रही है, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब
काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है मेरे चैनल को, एंड बहुत सारा कंटेंट अब मैं जल्दी जल्दी लाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय।